अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज जो है हम आपके साथ लेंथ वाइज शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि जो है हंड्रेड स्टैंड कितना होता है, 30 इंच लेंथ, 24 इंच लेंथ, और जो लंबी लेंथ है सबसे लंबी वो भी आपको दिखाते हैं, जो शॉर्ट है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये गाइस ये आप देख रहे हैं, ये हमारी लेंथ है जी, लॉन्ग लेंथ ये आप चेक कर रहे हैं, ये 30-32 के अंदर आती है। अब इनके बाल जो हैं ये देखें शोल्डर तक हैं, छोटे हैं। अब इनको ये हम लगाते हैं 100 पीस, तो 100 पीस जो है वो काफ़ी नहीं होगा, मैं आपको 100 पीस जो है वो भी शेयर करता हूँ। ये देखें ये 100 है। अब ये सिल्की स्मूथ बाल हैं, जारी बात है जब हमने लगाने हैं तो ट्रीटमेंट करके ही लगाने हैं। ये देखिए ये कम से कम इनको 150 या 200 लगे तो इनफ होगा। सो गाइस नेक्स्ट आ जाते हैं छोटी लेंथ में, जो है ये आप देख रहे हैं ये 26 इंच लेंथ आ जाती है। ये देखें ज़रा, अब इनके बाल आप देख रहे हैं कितने हैं। आपको कहते हैं जी मेरे इतने बाल हैं, मुझे कम से कम कैसे लगेंगे, कम से कम 150 नेचुरल अच्छी लुक के लिए, प्लस जो है आप 400-500 तक भी जा सकते हैं। ये देख रहे हैं ये 26 इंच लेंथ है। अब इनकी जो हाइट है मेरे ख्याल से यानी कि 5 फुट तक है, इनकी 5 फुट 2 इंच है, तो आप देख लें ये 26 इंच इतनी लेंथ आ रही है। और ये गाइज होता है 100 पीस, ठीक है जी। ये इनकी जो वन लेयर है ये आप देख रहे हैं, इनकी जो वन लेयर है ये वन लेयर इनकी काउंट होगी, और ये 2 लेयर, ऐसे ही 200 लेयर या 100 लेयर लगती है बालों के अंदर। ये नहीं है कि एक जगह पे लग जाती है, एक एक करके लगाई जाती है, मशीन के साथ लगाई जाती है, थ्रेड के साथ लगाई जाती है, गम के साथ, रिंग के साथ, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। तो अगर यानी कि इस तरह के बाल आ जाते हैं तो हम जो है सबसे पहले उनको कहेंगे कि जी इनका ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है, अगर वो करवाएंगे तो टू मच बेटर होगा, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट करवाने के बगैर लगाते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, और रोज़ाना उठ के आपको ब्लो ड्राई करना पड़ेगा प्रॉपर। अब आ जाते हैं इससे जो छोटी लेंथ है, ये देखें ये इससे छोटी लेंथ है, ये देखें ज़रा, ये अब इनके शोल्डर तक है। देखें इनको अगर ये इनके वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ से लगनी स्टार्ट होगी जहाँ मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये इनको कम से कम 150 या 200 लगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही नेचुरल लुक लगेगी, ठीक है। अगर इनका ट्रीटमेंट करके इनको भी ये 100 पीस भी लगाया जाए, लेकिन 100 पीस तो कम हो जाएगा, उनका वॉल्यूम नहीं होगा, वो क्यों, इनके अपने बाल वजनी हैं, ये चेक करें गाइस। हमारे पास ये आप जितने भी हेयर देख रहे हैं ये इम्पोर्टेड कैटेगरी के अंदर है, ये इनकी मेकिंग पाकिस्तान में नहीं होती। जो लोग पहले से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हर जगह पे कर रहे हैं, वो उन्होंने लोगों को सही चीज़ें मुतारफ़ ही नहीं करवाई, वो पाकिस्तान में जो है बांग्लादेशी इंडियन लोकल एक्सटेंशन हेड मेकिंग वो लगा रहे हैं, जो कस्टमर हमें आके कहता है जी मैंने इनको वॉश किया तो ये रफ़ हो गई, इनके ऊपर तो आयरन भी असर नहीं करता, लेकिन हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हमने तो ये भी कहा हुआ कि हमारे काम के अंदर, हमारी कही हुई बात के अंदर फ़र्क हो तो हम आपके पैसे वापस देंगे, ये हम आप जब वीडियो बनाते हैं उसमें भी कहते हैं, और जब कस्टमर हमारे पास आता है तो उनको भी कहते हैं आप उनसे बिल ले लें, लिखवा लें, वीडियो बनवा लें, जो हम आपको कह रहे हैं इंशाल्लाह वैसा का वैसा ही होगा। अच्छा सो गाइस अब आ जाते हैं जी लाइट कलर के ऊपर। अब ये जो लाइट कलर है ये आप इनकी लेंथ देख रहे हैं, ये थोड़ा सा उसमें ब्लैक बालों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो कैसे, क्योंकि अगर आप लाइट कलर लगवाते हैं वो थोड़ा सा महंगा होता है, यानी 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है 100 पीस के प्लस, इससे ज़्यादा नहीं। अब इस लाइट कलर के अंदर जो है हमारे पास ये काफ़ी सारे कलर आते हैं, और भी बहुत सारे कलर हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम आपको जो है दिखा नहीं पाएंगे ना, जिसके अंदर हमारे पास ये आप देख रहे हैं वाइट, ग्रे, एश, यानी हर तरह का क्वांटिटी के अंदर यानी बल्क के अंदर ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। क्योंकि जितनी भी माशाल्लाह हमारे पास कैटेगरी है, ये मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाता चलूँ कि मैं जैसा कि आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास ऑन द स्पॉट जो है अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और बुकिंग भी उसी टाइम, काम भी आपका हो जाता है, अगर ना हो तो फिर आपको टाइम दे दिया जाता है। ये नहीं है कि हमें पैसे जमा करवा दें, कल लगवा लें, परसों लगवा लें, ऐसा जो है हम काम नहीं करते। हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी स्टॉक है, ये कुछ भी नहीं है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग ये काम करवाते हैं उनको पता है ये चीज़ें
काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह क्वांटिटी के अंदर ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर यानी कि आपको हेड टॉपर विगें जो भी चीज़ मिलेगी नेचुरल क्वालिटी वाली ही मिलेगी, इम्पोर्टेड सिल्की स्मूथ प्लांटेड हेयर। और अब दूसरा सवाल ये है कि लोग हमसे पूछते हैं जी आप हमें बताएं कि ये इनकी रीफिक्सिंग कितनी देर के बाद करते हैं। इनकी जो रीफिक्सिंग है, जिनके देखें अब इनके जो बाल माशाल्लाह अच्छे हैं, अब इनको जो रीफिक्सिंग है कम से कम मेरे ख्याल से 2-2.5 माह के बाद या 3 माह के बाद करवा लेनी चाहिए। अब जिनके बाल नहीं बढ़ते वो 1-2 माह ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो भी इसलिए कि अगर आप इनकी प्रॉपर केयर करें। मैंने अपनी कोई हज़ारों वीडियो हैं जिनमें मैं बता चुका हूँ कि हमारे जो भी एक्सटेंशन लगाने आता है हमारे पास, हम उनको पहले गाइड करते हैं प्रॉपर, क्या ये आप ब्लो ड्राई कर पाएंगे। इसकी केयर सबसे ज़्यादा होती है ब्लो ड्राई। और दूसरा हम कस्टमर को ये भी कहते हैं कि आपके सर के अंदर या बालों के हिसाब से स्पेस है 300 की तो 400 की लगा रहे हैं। देखिए हर किसी का अपना शौक है, हर किसी ने जो है अपनी जेब से पैसे देने, हमने तो काम करना है, लेकिन हम बताते हैं ज़रूर हैं। अब कोई एग्री करे या ना करे, जो हमारे पास आते हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे। हम जो लोग हैं गाइड करके फिर काम करते हैं, हम लालच नहीं करते। अगर लालच करें या कस्टमर को मिस गाइड करें तो दोबारा कस्टमर आपको इधर नज़र नहीं आएगा। जो भी हमारे पास कस्टमर है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, तो वो रिपीट माशाल्लाह 4-5 साल के बाद, जो एक दफ़ा आ जाता है वो दोबारा भी आता है। और दूसरी बात ये है कि ये लगाने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी एक्सटेंशन उतर रही है, हमने लगाई तो वहाँ से उतर गई, पीस उतर गया। देखिए हर किसी के काम करने का तरीकाकार अलग है। ये लोग कुछ लोग हैं बेचारे देखो देख काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख लिया, क्लासें ले ली। जो लोग प्रोफेशनल हैं उनका तरीकाकार और होता है काम। हमारी लगाई हुई एक्सटेंशन नहीं उतरती, पहले था मसला, लेकिन अब जो है हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ की हैं, चेंजिंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें कंप्लेन नहीं। हाँ 2-4 पीस वो तो थ्रेड से भी लगाएं गम से भी लगाएं उतर जाते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये होता है ना रेगुलर ही उतर रही हैं, रोज़ाना उतर रही हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सो गाइज आपका इंतज़ार रहेगा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल्स।